नमस्कार, ये दी लल्लन टॉप है और मेरा नाम नीरज है। बहुत सारे लोगों को पता है कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त को जेल की सजा क्यों हुई थी। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के केस में संजय दत्त का नाम सामने आया। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे टाडा कहते हैं, उसके तहत संजय दत्त पर मामला दर्ज किया गया। इसका कारण था संजय दत्त पर लगा आरोप, जिसमें कहा गया कि संजय दत्त ने अबू सलेम से AK-56 राइफल खरीदी। इस खबर में दूसरा नाम है पेरारीवलन का। कौन पेरारीवलन? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहा पेरारीवलन। पेरारीवलन पर आरोप था कि उसने राजीव गांधी को मारने में इस्तेमाल हुई आत्मघाती जैकेट के लिए 9 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई की थी। पेरारीवलन अब तक जेल में है। इस बारे में ओपन मैगजीन की पत्रकार हैं शाहिदा के, उन्होंने एक विस्तार से रिपोर्ट लिखी है और यह रिपोर्ट दी लल्लन टॉप के लिए हमारे साथी सिद्धांत ने पेश की है। मैं उस रिपोर्ट के हिस्से ही आपको इस वक्त पढ़कर सुना रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारीवलन को सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां मिली हैं उनसे संजय दत्त मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त तो अब जेल से अपनी सजा काटकर निकल चुके हैं। अपनी सजा के दौरान भी कई दफा संजय दत्त पेरोल पर बाहर आए। इस बारे में पेरारीवलन को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जेल प्रशासन ने संजय दत्त को पेरोल और छुट्टी देने में कई बार नियमों का उल्लंघन किया। जब तक मुकदमा चला संजय दत्त कई बार जेल गए, जमानत पर बाहर आए। लंबी चली सुनवाई के बाद 2007 में टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को धमाकों के आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन हथियार रखने के मामले में 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आगे चलकर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा को 5 साल के कारावास में तब्दील कर दिया। 16 मई 2013 को संजय दत्त ने आत्मसमर्पण किया और जेल से छूटे। 25 मई 2016 को अपने कारावास के कई मौकों पर संजय दत्त पेरोल पर बाहर आए। तारीख आई मार्च 24, 2016, संजय दत्त के जेल से छूटने के 1 महीने बाद पेरारीवलन ने पुणे की यरवड़ा जेल प्रशासन से 5 प्रश्नों पर सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा। पेरारीवलन ने उन सारी मीटिंग्स का हिसाब, लेखा जोखा और आधिकारिक पत्र मांगे जो संजय दत्त के जेल से छूटने से जुड़े थे। पेरारीवलन ने इस बारे में भी जवाब मांगा कि किस कानून या संविधान की किस धारा या हिस्से के तहत संजय दत्त को जेल से छोड़ा गया। पेरारीवलन ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच हुई पत्राचार यानी चिट्ठी पत्री की डिटेल्स मांगी और अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सारे रिकॉर्ड्स देखने की भी मांग की। पेरारीवलन को 3 साल बाद यानी 20 अप्रैल 2019 को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। ओपन पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक संजय दत्त को जेल से कई बार मिली छुट्टी में नियमों का पालन नहीं किया गया। पेरारीवलन ने ओपन मैगजीन के साथ जानकारियां साझा की। दरअसल टाडा जैसी संगीन धारा में बंदी को जेल से मिलने वाली छुट्टियों, जिसमें फर्लों और पेरोल शामिल है, जेल प्रशासन या राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की सहमति के कोई फैसला नहीं ले सकती। पेरारीवलन को यरवड़ा जेल से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक पत्र नहीं मिला था संजय दत्त वाले केस में। 20 अप्रैल 2016 को यरवड़ा केंद्रीय कारागार के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पेरारीवलन को जो जानकारी मुहैया कराई उसमें यह साफ किया गया कि संजय दत्त को जेल से छुट्टी देने को लेकर केंद्र सरकार के कोई भी कागजात जेल प्रशासन के पास मौजूद नहीं है। ओपन पत्रिका के मुताबिक अपीलीय अधिकारी ने यह भी साफ किया कि संजय दत्त को जेल से छोड़ने से पहले केंद्र सरकार से कोई राय नहीं ली गई। अब जरा संजय दत्त के जेल का एक हिसाब मोटा मोटी समझ लेते हैं। बम धमाकों के बाद संजय दत्त पहली बार जेल गए 19 अप्रैल 1993 को। महज 15 दिन जेल में काटने के बाद
4 मई को संजय दत्त जमानत पर बाहर आ गए। 2 महीने बाद संजय दत्त फिर से गिरफ्तार हुए। अब जेल से बाहर आए 26 अक्टूबर 1995 को। 10 साल से भी ज्यादा समय तक बाहर रहने के बाद आर्म्स एक्ट में संजय दत्त जुलाई 2007 में फिर से जेल गए, बाहर आ गए 20 अगस्त 2007 को। अब आया साल 2013, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल सजा घटा दी। संजय दत्त फिर से जेल गए मई 2013 में। 4 ही महीने बाद उन्हें फरलो के तहत 14 दिन की छुट्टी दी गई, जिसे फिर से 2 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया। संजय दत्त जेल वापस आए 13 अक्टूबर 2013 को। 6 दिसंबर को 30 दिनों के पैरोल पर फिर से छोड़ दिया। उन्हें जनवरी 2014 में जेल में वापस आना था, लेकिन वो नहीं आए। लगातार 2 बार कुल मिलाकर 60 दिनों के लिए उनका पैरोल बढ़ाया गया। संजय दत्त वापस आए 18 फरवरी 2014 को। दिसंबर 2014 संजय दत्त फिर से फरलो पर बाहर आए और 2 हफ्ते बढ़ाने की मांग की। उसको और 2 हफ्ते बढ़ाने की मांग की, वो जो नहीं मिली तो फिर वो जेल वापस आ गए। अगस्त 2015 संजय दत्त को 30 दिनों का पैरोल मिला। सितंबर में वापस आए और 26 फरवरी 2016 को सजा पूरी करके जेल से रिहा हुए। और संजय दत्त रिहा भी हुए तो अपनी सजा कम कराने का आवेदन करने के बाद। संजय दत्त की इस टाइमलाइन को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि संजय दत्त का ज्यादातर वक्त जेल से बाहर ही गुजरा और पूरे कारावास के दौरान उन्हें 120 दिनों की पैरोल और 44 दिनों की छुट्टी मिली। फिर से दोहरा दूं, 120 दिनों की पैरोल और 44 दिनों की छुट्टी मिली। ओपन के मुताबिक इतना अवकाश मिलना किसी भी कैदी के लिए लगभग नामुमकिन। अब चलिए, हम बार बार 2 शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक है फरलो, दूसरा है पैरोल। फरलो मतलब छुट्टी। अगर जेल के किसी कैदी पर अपराध सिद्ध हो गया है और सजा हो गई है तो उसे 1 साल में जेल से 14 दिनों की छुट्टी मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर यह छुट्टी 2 हफ्तों यानी और 14 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। फरलो जेल के कैदी का अधिकार है। कई संगीन मामलों के मुजरिमों को कई बार जेल प्रशासन से फरलो देने से इनकार भी किया जा चुका है। लेकिन इसके उलट पैरोल पूरी तरह से प्रशासन पर निर्भर करता है। किसी आपातकालीन स्थिति या जरूरी काम के लिए आवेदन करने पर जेल प्रशासन कैदी को पैरोल देता है। 1 साल में अधिकतम 90 दिनों का पैरोल मिल सकता है और 1 बार में अधिकतम 30 दिनों का पैरोल मिल सकता है। पैरोल के बारे में ये भी जानना चाहिए कि ये कैदी का अधिकार नहीं है जैसा फरलो है। अब एक और नाम आया, पेरारी वलन। अब आप सोच रहे होंगे कि पेरारी वलन ने ऐसा क्यों किया, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी क्यों मांगी। एजी पेरारी वलन पर 9 वोल्ट की बैटरी सप्लाई करने का मुकदमा चला। उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 18 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 19 फरवरी 2014 को तमिलनाडु सरकार ने पेरारी वलन और अन्य 6 अभियुक्तों को रिहा करने का ऐलान किया। ऐसा बहुत हद तक संभव है कि पेरारी वलन को लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट से राहत और राज्य सरकार से रिहाई मिलने के बाद भी वो जेल में ही है और संजय दत्त को नियमों को ताक पर रखकर छूट दी जा रही थी, क्योंकि दोषी करार दिए जाने के बाद जब संजय दत्त अधिकतर समय जेल से बाहर काट रहे थे तो जेल के अन्य बंदियों के परिजनों ने याचिकाएं दायर की थी जिन पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो ये थी संजय दत्त से जुड़ी हुई एक खबर। संजय दत्त तो अब बाहर आ चुके हैं और फिर से फिल्मों में काम करने लगे हैं, लेकिन उनको जो कैदी के दौरान एक कैदी के रूप में जो छूट मिली जेल से बाहर आने की, उस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो यहीं तक। इस स्टोरी को दी ललन टॉप के लिए हमारे साथी सिद्धांत ने किया था और मेरा नाम नीरज है। ये वीडियो शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में राशिद थे। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और सबसे ज़रूरी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, प्लीज़ उसे डाउनलोड करना ना भूलें। करने का फ़ायदा ये है कि ये सारे वीडियो सारी स्टोरीज एक क्लिक पर आपको एक साथ तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। शुक्रिया।